तो दोस्तों आपने लोहे का कूलर देखा होगा, प्लास्टिक का कूलर देखा होगा, लेकिन दोस्तों आज मेरे पास है एकदम लकड़ी का कूलर, पूरा दोस्तों लकड़ी का बनाया हुआ कूलर आप देख सकते हो। मैं इसके बारे में आपको पूरा आज इस वीडियो के अंदर जानकारी देने वाला हूँ लकड़ी के कूलर के बारे में। वो भी एकदम देसी तरीके से, देसी अंदाज से बनाया हुआ लकड़ी का कूलर है, आप देख सकते हो पूरा लकड़ी का बनाया हुआ कूलर है एकदम। और इसके अंदर मोटर सेट भी हुआ है और पानी की भी मोटर भी है और यहाँ पे बोर्ड लगाया हुआ है, स्विच सब कुछ कंप्लीट है एकदम, बिल्कुल एकदम कूलर है सब कुछ है। घास भी लगाया हुआ है, तीन साइड इसके घास है, बिल्कुल एकदम जो कूलर होता है हमारा लोहे का और प्लास्टिक का उसी प्रकार का ये लकड़ी का कूलर है। तो मैं आज इसके बारे में आपको कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ और दोस्तों ये किस तरीके से बनाया हुआ है वो भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों लकड़ी के कूलर के आपको क्या क्या फायदे हैं मैं इस वीडियो के अंदर आपको पहले बताता हूँ। लकड़ी का कूलर है ये गर्म नहीं होता है, जो लोहे का कूलर होता है वो गर्म होता है, इसके कारण दोस्तों वो कूलिंग कम करता है। और जो लकड़ी का कूलर है ये गर्म बिल्कुल नहीं होगा, ये ठंडा रहेगा। जो एक बार लकड़ी आपको पता है पानी के अंदर भीग जाती है तो वो कितनी ठंडी रहती है और कितनी देर तक ठंडी रहती है, एक फ़ायदा तो ये है। और दोस्तों दूसरा फ़ायदा है कि ये जो कूलर है ये कभी भी गलने वाला नहीं है। आपने देखा होगा जो लोहे का कूलर होता है वो गल जाता है और जो प्लास्टिक का कूलर होता है वो फूट जाता है कुछ दिनों के अंदर। लकड़ी का कूलर का कुछ भी ख़राब नहीं होगा दोस्तों, इसका कुछ भी आप देख सकते हो बिल्कुल एकदम लकड़ी का बना हुआ है। और दोस्तों जो लोहे का कूलर होता है उसके अंदर दोस्तों आपको पता है करंट आता है, लकड़ी के कूलर के अंदर बिल्कुल भी करंट नहीं आएगा। और दोस्तों लकड़ी का कूलर है ये पूरा देसी अंदाज में बनाया हुआ है, बिल्कुल एकदम देसी तरीके से बनाया हुआ कूलर है आप देख सकते हो। और अभी मैं आपको और बता दूंगा इसके बारे में पूरा जानकारी, अंदर से बाहर से जो भी घास किस तरीके से इसके अंदर लगाया है उसको मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हमें सामने के तरफ दो प्लग मिलते हैं, दो स्विच है, एक पानी की मोटर का है और दोस्तों एक इस फैन का है, दो ये स्विच है और ये इसका वायर चालू करने का। और उसके बाद में दोस्तों नॉर्मल है, अभी इसके सामने अभी लगना और बाकी है, जाली लगेगी। और दोस्तों आप देख सकते हो ये फैन है, ये मोटर है और जो पानी उठाने का वो पंप है वो वहाँ पर लगा हुआ है कुछ इस तरीके से। और अभी अंदर से मैं आपको और बता देता हूँ। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से इसके अंदर घास डाला हुआ है, आप देख सकते हो घास, और घास है वो डबल घास डाला हुआ है, जैसा मैंने मेरी वीडियो के अंदर बताया उस हिसाब से ही इसके अंदर घास डाला हुआ है। और यहाँ पर देख सकते हो जाली लगाकर और यहाँ पर किले से इसे लॉक किया गया है। एक साइड ये सामने की साइड, ये इधर की साइड आ गया और दोस्तों ये पीछे की साइड कुछ इस तरीके से पीछे की साइड है। और दोस्तों अब इधर की साइड भी है कुछ इस तरीके से ही घास डाला हुआ, आप देख सकते हो पूरा जाली से अच्छी तरीके से पैकिंग की हुई है और जो घास है वो भी एकदम अच्छी तरीके से लगाया हुआ है इसमें। और दोस्तों मेन चीज़ इसके अंदर अभी ये नीचे का हिस्सा है वो भी बनना बाकी है। तो दोस्तों अब मैं आपको जो अंदर क्या क्या इसके अंदर लगा हुआ है वो अच्छे से बता देता हूँ। अंदर नॉर्मल जैसा हमारा लोहे का और प्लास्टिक का कूलर है उसी तरीके का है, सामने ऊपर है जो लकड़ी लगी हुई है, साइड में लकड़ी लगी हुई है आप देख सकते हो, नॉर्मल है बिल्कुल सब नॉर्मल लकड़ी की तरह ही है बनाया। यहाँ पर जाली लगी हुई है, जैसे बाहर जाली है उसी हिसाब से अंदर भी जाली लगी हुई है घास को पैक करने के लिए। और ये पानी उठाने के लिए जो ये पानी उठाने की पाइप है, इस पंप से पानी जाएगा इस पाइप से और वहाँ जाने के बाद में आप देख सकते हो इन पाइप के अंदर जाएगा, एक सामने और दो इस साइड वाली के अंदर चला जाएगा, तीन कनेक्शन किए हुए हैं कुछ इस तरीके का है अंदर से आप देख सकते हो। और ये जो हवा देने के लिए मोटर है ये बिल्कुल जैसा लोहे का कूलर होता है उसी हिसाब से है। तो दोस्तों इस कूलर का अभी काम बाकी है, जैसे सामने जाली लगाना और दोस्तों नीचे भी दोस्तों पानी का बनाने का भी काम बाकी है, अभी पानी की टंकी वगैरह बनाने का काम है वो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा, इसका पार्ट टू आने वाला है। और दोस्तों इस कूलर को किस तरीके से बनाया गया है वो भी दोस्तों नेक्स्ट वीडियो अपलोड में करूँगा, उसके अंदर दोस्तों आपको पूरा बताऊँगा इस कूलर को किस तरीके से बनाया गया है। और दोस्तों आप घर पर वो वीडियो देख कर दोस्तों आप खुद उसे घर पर बनाना सीख सकते हैं। तो दोस्तों जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसके अंदर पूरा मैं इस कूलर के बारे में पूरी जानकारी दूंगा, इसे किस तरीके से बनाया गया है हर एक छोटी से छोटी चीज़ आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके रखना और दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि दोस्तों यह कूलर आपको कैसा लगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।